देखिए आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आज हमारा पहला हेड ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहा है इनकम टैक्स में, जिसका नाम है क्या, इनकम अंडर द हेड सैलरी। कौन सा है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब तक हमने बेसिक क्लास करी थी और उसमें हमने इनकम टैक्स का ओवरव्यू दिया था और इसमें हमने सेक्शन 7 सेक्शन 8 को कवर करा था। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा हेड लेके आए जिसका नाम है सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। हमने कितने हेड्स ऑफ इनकम बताए थे? 5 बताए थे। कौन से थे बंजुल 5? सिक्वेंसली बताएं। कोई कहता है सर आप पहले मुझसे पूछ लेते हो, ठीक है चलो आप खड़े हो जाओ। हाँ, 9। नेक्स्ट अदर इनकम सब क्या? किरण, कितने हेड्स ऑफ इनकम थे? कौन कौन से? सैफ, कितने थे? कौन से? ओके, रजनीश मौर्या, हाँ, iOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आज हमारा कौन सा ऐड स्टार्ट हो रहा है? सैलरी। कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसमें दो लोग हैं, एक है मालिक जिसका नाम मिस्टर शाह, जो ओनर या जिसको हम जिस नाम से जानेंगे, एम्प्लॉयर के नाम से जानेंगे। एक होता है मिस्टर अभी, जो क्या है, एम्प्लॉय, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वर्कर के नाम से जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब मालिक एम्प्लॉय को कुछ भी देगा एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में, वो किसके अंदर आएगा? सैलरी हेड के अंदर आएगा। अगर मेरा मालिक मुझे कुछ देता है, चाहे वो डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट रूप में, जिसका बेनिफिट मुझे ही मिलता है, तो किसके अंदर जाएगा? सैलरी हेड के अंदर जाएगा। ये बात आप याद रखना। लिखा है, हेयर इन द अबव डायग्राम वट एवर मिस्टर अभी और द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मिस्टर शाह इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, बट द रिलेशन बिटवीन देम शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इनके बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉय एम्प्लॉय का, मालिक कर्मचारी का रिलेशन होना चाहिए। आगे से याद रखना, मैं इसे पेयर बोलूंगा मालिक को, और कर्म पेई मतलब एम्प्लॉय, या इसे क्या बोल सकता हूँ, एम्प्लॉयर, इसे क्या बोल सकता हूँ, एम्प्लॉय, या इसे क्या बोल सकता हूँ, मास्टर, और इसे क्या बोल सकता हूँ, सर्वेंट। इनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, और कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, एक है सलमान खान, ठीक है, ये क्या करता है, एक है कमल सब्बरवाल, इसने किसी एड के लिए से हायर करा, क्या करा, किसी एड के लिए से हायर करा और उससे कहा है कि तुझे ये एड करनी है, ठीक है। लेकिन इसने इससे ये कह दिया कि सुबह 6 बजे उठना है, क्या ये इसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल वर्क करता है, अपने बिहाफ से काम करता है। तो क्या ये मालिक और सर्वेंट का रिलेशन है? क्या ये मालिक और सर्वेंट का रिलेशन है? क्या तुम्हें लगता है ये रिलेशन बन रहा है? नहीं है। तो याद रखना, जब मालिक और सर्वेंट का रिलेशन नहीं होता, जब मालिक और सर्वेंट का रिलेशन नहीं होता, तो इसको जो भी इनकम मिलेगी, इससे जो भी इनकम मिलेगी, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या मेरा रिलेशन उसके साथ था? नहीं, उसने कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ आया, मेरी बातें नहीं मानी, मैंने उसे क्या दे दिया, पैसा दे दिया, और उसने क्या कर दिया, उसे किस में डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अगर उसका पैशन ही यही होता तो किस में ले जाता वो अपनी इनकम को? पीजीबीपी में। कौन? सलमान खान। कौन ले जाता? सलमान खान। याद रखना, कैसा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? आ जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ऑफ फर्म। पार्टनर जानते हैं कौन होते हैं? पार्टनर कंपनी में काम करने वाले। हमने एक क्या बोला आपने, कलीग नहीं सर, पार्टनर, हिस्सेदार,
प्रॉफिट में लेने वाला, ठीक है, प्रॉफिट में था। मैंने तीन लोग थे, हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए कमाए, हमने इक्वली क्या कर दिया, उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो क्या कहलाएगा, पार्टनर, क्या कहलाएगा, पार्टनर। याद रखना, अगर कोई पार्टनरशिप कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो, अगर तुम अपने पार्टनर को सैलरी दोगे ना, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। मैं पार्टनर हूं, मैं क्या हूं, पार्टनर हूं एक कंपनी का, और जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है ना, तो एक डीड बनती है जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिस पर मेंशन होता है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट देंगे, हर महीने 20,000 रुपए सैलरी देंगे, ये मेंशन होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। कहाँ मेंशन होता है ये, पार्टनरशिप डीड में। तो याद रखना, अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी तो वो पीजीबीपी में जाएगी, सैलरी हेड में नहीं जाएगी। दोबारा बता दूं, पार्टनर को अगर फर्म से कुछ भी मिलेगा सैलरी के रूप में, तो वो किस में नहीं जाएगा, सैलरी में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। ये कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर अलग रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट अ एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता। डायरेक्टर जानते हो कौन होता है, कंपनी का एक हिस्सेदार होता है। पार्टनर था ना कंपनी में, उसका नाम क्या हो गया, डायरेक्टर हो गया, क्या हो गया, डायरेक्टर, क्या हो गया इसका, डायरेक्टर। तो याद रखना, कंपनी में मालिक डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी हेड में नहीं जाती, किस में जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्या वो सैलरी तुम्हें, किस में जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। दो कंडीशन है पीजीबीपी में जाने के लिए, जब आएगा पीजीबीपी तब करेंगे। बट याद रखना कि डायरेक्टर को जो भी तनख्वाह मिलेगी कंपनी से, वो किस में नहीं जाएगी, सैलरी में नहीं जाएगी। लेकिन आप में से अगर कोई पहले पढ़ के आता तो मुझे जरूर कहता, सर हमने तो पढ़ा है कि डायरेक्टर दो तरह के होते हैं। डायरेक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्टर वो होता है, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम कंपनी का, तो पहले ही बोल देते हैं आपको 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, अकाउंट्स का काम तुम्हारा है। तो एक कंपनी में क्या है, डायरेक्टर, लेकिन एज अ डायरेक्टर कौन है, एम्प्लॉय डायरेक्टर है। कौन सा डायरेक्टर, ये एम्प्लॉय, क्योंकि हमने इसके वर्क क्या कर दिए, नोटिफाई कर दिए, क्या कर दिए, नोटिफाई। अब इसको ये काम कंप्लीट करना है। लेकिन एक डायरेक्टर दूसरा है, जो कंपनी में अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, टाइम की कोई सीमा नहीं है। तो उसकी इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और जो ये डायरेक्टर है, इसकी इनकम किस में आ जाएगी, सैलरी में। समझ गए मेरी बात। अगर कोई डायरेक्टर है, बातें मानता है, और रजिस्ट्रेशन के समय ही हमने बोल दिया था कि तुम्हें इतनी तनख्वाह देंगे, इतने ऐसे से काम करना है, तो क्या ये मेरा डायरेक्टर है, लेकिन क्या एक एम्प्लॉई है, एक तरह का एम्प्लॉई है। तो इसको जो भी तनख्वाह दूंगा किस में जाएगी, सैलरी में। यस जी, डीड बनती तो आप मेंशन कर देते ना सारी। कंपनी ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कंपनी में बहुत सारे पेपर्स लगते हैं, आपको बताना पड़ता है कि इनका डायरेक्टर क्या है, इनका आधार कार्ड, इनका पैन कार्ड, आप इनको कितनी तनख्वाह दोगे, पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, कितने शेयर इशू करना है, वो सब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिसाइड करना पड़ता है, शेयर की वैल्यू क्या रखोगे आप। क्लियर है, समझ आ गया। तो याद रखना, दूसरा MLA, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर जानते हो, ठीक है, जानते हो, सांसद हो गया, विधायक, कोई भी हो, जिनको जो भी तनख्वाह मिलती है वो सैलरी में नहीं आती, वो किस में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तब भी नहीं सर, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक सेक्शन बना है, सेक्शन 28। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 28, जो बताता है पार्टनर को जो भी तनख्वाह मिलेगी वो पीजीबीपी में जाएगी, सैलरी में नहीं जाएगी। ठीक है, पीजीबीपी जब स्टार्ट होगा ना, सबसे पहली बात यही बोलूंगा, पीजीबीपी जिस दिन स्टार्ट होगा यही बोलूंगा कि पार्टनर को जो भी तनख्वाह मिलेगी वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, किस में जाएगी, पीजीबीपी में, किस में जाएगी, पीजीबीपी में। समझ, हाँ, और भी ML बहुत सारे हो जाते हैं ना सब जी, ठीक है, उनको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन वो सैलरी में नहीं जाती, क्योंकि उनका समय सीमा नहीं होती, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, उनको वर्क करना होता है। क्लियर है, इस हाँ, इसके बाद कौन आता है, गेस्ट लेक्चर, ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए आया, तो याद रखना कि इनकी इनकम किस में जाएगी, पीजीबीपी में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर हो गया, आ जाओ।
सेक्शन 14 पहला सेक्शन है सैलरी का, सेक्शन नंबर 14 जो बताता है हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड बताए थे मैंने? 5। और आज याद कर लो यही है, पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है? सेक्शन 14 क्या बताता है? हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए वंजुल बताइए दोबारा। ठीक, हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, तो ये नहीं बोलेंगे कितने, इन्फिनिटी बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग सोर्सेज हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे। कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछ सकता है कितने सोर्स होते हैं, तो आप क्या नहीं बोलोगे? 5 सोर्स नहीं होते, ठीक है, सोर्स तो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हेड कितने होते हैं? 5। जैसे मैं सैलरी 4 जगह जॉब करता हूँ तो मुझे ए से मिलती है, बी से मिलती है, सी से मिलती है, डी से मिलती है, ई से मिलती है, तो मेरे सोर्स कितने हो गए? 5। मेरे 3 मकान हैं एक्स वाई जेड, तो कितने हो गए? 3 सोर्स हो गए। मेरे पीजी बिजनेस कितने? 2 हो गए, तो मेरे कितने सोर्स हो गए? 2। और मेरे कैपिटल गेन कितने? 3, तो 3 है। और मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5 हो गए। तो सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हेड कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर है? याद समझ आ गया इतना? तो बस एक बात याद रखनी है आपको, हमेशा क्या करनी है, एक बात याद रखनी है मेरी, कि अगर मालिक अपने कर्मचारी को कुछ भी देगा इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट, तो वो किसके अंदर जाएगा? सैलरी के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? वो सैलरी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? वो सैलरी। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है आगे? ज्योति समझ में आपको? आ जाओ। अब ये कोई मैटर नहीं करता कि आप फुल टाइम जॉब करते हो या पार्ट टाइम, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी के पास कितने घंटे जॉब करते हो। अगर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉय का है तो आपकी जितनी इनकम होगी किसमें जाएगी? सैलरी के हेड में। मान लो मिस्टर ए है जो 10 से 12 करता है मिस्टर डब्लू के पास, 12 से 2 करता है मिस्टर एक्स के पास, 2 से 4 करता है किसके? वाई के पास, और 4 से 8 करता है मिस्टर जेड के पास। तो इसकी जो भी इनकम होगी सब किसमें जाएगी? इनकम फ्रॉम हाँ सैलरी में जाऊंगा ना, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। हाँ रोमी, रोमी अंदर आओ। किसमें जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो आप पढ़ लेना कि हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम, वंस द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एग्जिट द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। किसके अंदर चार्ज होगी? वो सैलरी के अंदर चार्ज होगी अनुज के पास। क्लियर है? एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर आप कंफ्यूज मत होना, कोई बोलेगी मैं 4 घंटे जॉब करता हूँ या 8 घंटे जॉब करता हूँ, तो याद रखना। फॉर ये मैं करा दूँ अभी, चलो कर लो। इस टॉपिक का आगे यूज था वैसे, फॉर गोइंग और सेक्रीफाइसिंग। जानते फॉर गोइंग क्या होता है? अब तुम्हें तनख्वाह मिल रही थी, क्या बोला? माफ करना, तनख्वाह मिल रही थी, मालिक ने मेरे हाथ में तनख्वाह रख दी, लेकिन एक दुख भरी कहानी सुना दी। उसने कह दिया केरला में बाढ़ आ गई, आपको तनख्वाह मिल रही, कुछ तो दे दो। मैंने 10,000 तनख्वाह ली थी अपने हाथ में, और मैंने कहा सर, मैंने सोचा नहीं दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा सर 2,000 रुपये आप डोनेट कर देना। तो बताओ मुझे तनख्वाह कितनी मिली? हैं क्या, सॉरी समझा नहीं आपकी बात। हाँ आप सुन तो लो कहानी, फिर बता दूंगा फोर गोइंग क्या होता है, सरेंडर क्या होता है। बात समझिए, मुझे तनख्वाह कितनी मिली थी? 10। लेकिन मालिक ने क्या लगा दी? कंडीशन कि आप अगर अच्छे इंसान हो तो आप प्लीज़ वहाँ थोड़ा डोनेट कर दो। फिर मैंने 10,000 में कितनी दे दी उसको? 2,000 दे दी। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, मालिक ने कहा या मालिक को मैंने बोला कि सर आप मुझे तनख्वाह 10 मत देना, आप मुझे 8,000 देना।
अब हमेशा के लिए 2000 मेरी सैलरी किसको दे देना, केरला वालों को। अगर सैलरी मिलने के बाद तुम उसको पैसा देते हो तो वो क्या होता है, फॉर गोइंग और सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी। क्लियर, इसके अंदर एक डिफरेंस है। अगर तुम सैलरी लेकर दोगे तो तुम्हारी इनकम में जुड़ जाएगा, वो तुम्हारी इनकम में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप तुम सरेंडर कर दोगे, लोगे ही नहीं, तो तुम्हारी इनकम में नहीं जुड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, मान लो तुम्हें हर महीने कितने मिलते हैं, 20,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन 20,000 रुपये तुम लेने के बाद 400 रुपये कटवा देते हो और कितने पैसे लेते हो, तो अब तुम्हारी तनख्वाह पूरे साल की कितनी मानी जाएगी, 240,000। कितनी मानी जाएगी, 40,000 मानेगी। लेकिन वही तुमने एक दूसरी कंडीशन बोली कि सर नहीं मैं तो कितना लूंगा, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी, कितनी होगी, 235,200। अंतर यह कि मुझे इस पर टैक्स देना होगा और इसमें किसमें क्या होगा, इस पर टैक्स देना। क्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला, हो सकता है इसका मन बदल जाए, इसने कहा दो महीने बाद कि नहीं सर अब नहीं दूंगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, परमानेंटली मना कर दिया। तो ये डिफरेंस है, क्लियर हो गया आप लोगों को, तो याद रखना। क्लियर संडे आपको, जामल जी आपको लगे मेरी सैलरी कम है आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो जामल जी कर सकते हो ना, ऐसा नहीं है। संडे स्पेशल जगह पे होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब पर्पस है कोई नोटिफाई एरिया होना चाहिए, कोई नोटिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला मेरे में ट्रांसफर कर दो आप मेरे में कर दो कि डोनेशन नहीं मिलेगी, कोई ट्रस्ट होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो, कर सकते हैं, लेकिन उसके एक प्रूफ होनी चाहिए, एक रिसिप्ट होनी चाहिए, तभी आप करो, आप लो तो कर देना। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि कुछ कमाते हो ना तो दान वान भी करा करो, खाली कमाना ही नहीं है। ठीक है सुन रहे हो फैसल, सेक्शन 40A ये डिलीट वैसे आया है, मैं सिंपल बता दूं एक लाइन में, अगर कोई इनकम टैक्स से माफ है तो उसके खर्चे भी हम कंसीडर नहीं करते। क्या बोला, अगर कोई इनकम टैक्स से माफ है तो उसके खर्चे भी हम क्या करेंगे, कभी कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने 205,000 रुपए कमाए, कितने कमाए, 205,000 कमाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा मैं इस पर टैक्स नहीं लूंगा, इस पर टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन मैंने कहा गवर्नमेंट से कमाने में 50,000 रुपए खर्चा आ गया, मुझे उसकी माफी दो। गवर्नमेंट ने सिंपल से कहा जिसके इनकम को हम टैक्स नहीं लगाते तो उसके खर्चों को हम माफी नहीं देंगे, वरना तुम हैं कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कंसीडर। दोबारा समझा, अगर कोई इनकम ऐसी है जो टैक्स फ्री है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो उससे रिलेटेड खर्चे भी क्या हो जाएंगे, मतलब कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, उसे कंसीडर करेंगे नहीं। अब ये नहीं बोलोगे सर 205,000 कमाया, 50 माइनस कर दो, कितनी इनकम कर दो, 155,000। गवर्नमेंट ने कहा जब तेरी इनकम ही 205,000 कर दी, उस पर टैक्स नहीं ले रहे, तो 50 की माफी भी नहीं देंगे। यही सेक्शन मुझे बहुत लंबे तरीके से समझाना पड़ता, तो मैं एक सिंपल लाइन में मैंने लिख दिया, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड एट ऑल। क्लियर है, सिंपल सी बात याद रखना, सेक्शन 40A क्या कहता है, अगर कोई इनकम टैक्स से माफ है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी क्या हो जाएंगे, कंसीडर नहीं। आ जाओ सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। आज से एक बात याद रखना, जितने हेड स्टार्ट होंगे सबका एक चार्जिंग सेक्शन होता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है 15, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे सेक्शन 22, पीजीपी पढ़ोगे सेक्शन 28, सबका एक चार्जिंग होता है। क्या होता है, एक चार्जिंग सेक्शन। जैसे फोन में अगर आप बैटरी चार्ज हो जाए तो कितने दिन तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, वैसे ही अगर ये सेक्शन आज स्टार्ट हो गया तो फिर लंबे समय तक ही चलेगा, तो इसे क्या नाम दे दिया हमने, चार्जिंग सेक्शन। क्या नाम दिया, चार्जिंग सेक्शन। क्लियर, अब बताओ सैलरी पर टैक्स कब लगना चाहिए, सैलरी पर टैक्स कब लगना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या लगेगा, सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। सैलरी पर टैक्स कब लगेगा, ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से क्या हो जाए, पहले हो जाए, हम तुमसे तभी टैक्स ले लेंगे। हमने क्या बोला,
ड्यू बेसिस और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, मेरे को जैन मंथ में फेब की सैलरी मिल गई, मार्च की मिल गई, तो मुझे टैक्स कब देना पड़ेगा? जैन में देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जैन में। क्लियर है? मिल गए मुझे, ठीक है, ठीक है, रिसीव बेसिस पे मिल गई ना, कब मिल गए मुझे? मिल गए। क्लियर है? लेकिन जैन मंथ में क्या हो गया? जैन मंथ में मेरी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन मुझे मिली नहीं, क्या हो गई? ड्यू। तो टैक्स कब लग जाएगा? ड्यू पर। टैक्स कब लग जाएगा? ड्यू पर। मेरी बात याद रखना, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले, या तुम्हारे अकाउंट ड्यू हो गई हो या तुम्हें मिल गई, जो दोनों में से पहले, तभी गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। इसका मोटिव यह था कि लोगों को मूर्ख बनाते थे, तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात कह दी कि चाहे तुम्हारी सैलरी ड्यू हो जाए या तुम्हें मिल जाए, दोनों केस में तुमसे मैं क्या कर लूंगा? टैक्स चार्ज कर लूंगा। तो समझ आ गई वाली बात? तो सैलरी या तो ड्यू हो या तो फिर रिसीव हो। क्लियर है? ड्यू हो या तो फिर रिसीव, जो दोनों में से क्या हो? पहले हो, मैं तब टैक्स ले लूंगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जैन मंथ में 4 महीने एडवांस सैलरी मिल गई, फेब मार्च अप्रैल, तो बताओ मुझे टैक्स कब देना पड़ेगा? जैन मंथ में। और कौन से मंथ का टैक्स दे रहा हूं? अप्रैल मंथ का भी दे रहा हूं, चारों का टैक्स दे रहा हूं, क्योंकि वो क्या हो गई? रिसीव हो गई। क्या हो गई? रिसीव हो गई। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है। और एक वर्ड है यहां पर, एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। आ जाओ, क्या बातें बताता हूं। पहले आप ये ड्यू वाला क्लियर कर लो, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। 15-16 फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है यहां पर? 15-16 मुझे तनख्वाह ड्यू कितनी हुई? 3 लाख, लेकिन रिसीव कितनी हुई? 280। तो बताओ टैक्स कितने पर लगेगा? 3 पर, क्योंकि जो इन दोनों में से क्या हो? पहले हो। तो टैक्स कितने पर देना है मुझे? 3 पर। दूसरा एग्जांपल बोलूं, जो दोनों में से क्या हो? ज्यादा, उस पर टैक्स लगा लें। गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है? ज्यादा पर टैक्स लेना। ठीक है, गवर्नमेंट हमें कभी रियायत नहीं देती टैक्स के मामले में, ठीक है ना? गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पर टैक्स तुमसे लेकर ही रहेंगे, टैक्स हम तुमसे लेकर रहेंगे। अच्छा बताओ, मुझे टैक्स कितने पर देना था? 3 पर, लेकिन मिले कितने? 280 मिले। तो 20,000 कब ड्यू होंगे? ड्यू कब होंगे? 20,000 बचे ना, 20 मुझे मिले तो 280, 20 पर तो मैं एडवांस टैक्स दे चुका हूं ना ऑलरेडी, मुझे मिले कितने? मिलने कितने थे, तो बचे कितने? 20। लेकिन अगले साल मुझे कितने पैसे मिले? 340, लेकिन उसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 20 क्यों माइनस कर रहा हूं? पिछली बार वो टैक्स दे चुका हूं, और जिस पर एक बार टैक्स लगता है उस पर 2 बार टैक्स नहीं लगता। मेरी बात समझ रहे हो सैफ? समझ आई? 280 पर टैक्स दे के 3 पर टैक्स दे दिया था ना, जबकि रिसीव कितने हुए थे? तो इस में से 20,000 जो 340 मिला, इसमें 20,000 तो पिछला भी तो होगा, 20 तो क्या होगा? पिछला भी होगा, तो उसे भी कंसिडर करूंगा ना मैं। तो 340 में कितना घटा दो, मुझे मिला कितना? अब एक्चुअल में कितना मिला? 320 मिला ना। इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो किस पे टैक्स देना पड़ेगा? 350 पे। कितने पे देना पड़ेगा? 350 पे। कितने पे देना पड़ेगा? 350 पे। अब बताओ मैंने कितना एडवांस दे दिया? 30,000। कितना दे दिया एडवांस? 30। अगले साल ड्यू कितना होना था? 360, लेकिन मिला कितना? 4 लाख। 4 लाख में 30 कैश पहले करो माइनस, क्यों माइनस करो? क्योंकि उसका टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका। तो मुझे अब 360 और 370 में से ज्यादा कौन है? 370। अब बताओ मुझे रिसीव कितना हो गया एडवांस? 10,000। तो पहले 3 लाख में से कितना माइनस करूंगा? 10। क्यों माइनस कर रहा हूं 10? क्यों? एडवांस मिल गया। क्या मिल गया? एडवांस मिल गया। क्या मिल गया मुझे? एडवांस मिल गया। तो अब कितना हो गया? 290 मिला कितना? तो टैक्स कितने पर लूंगा? तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो उस पर आप लोग क्या कर देना? टैक्स लगा देना। क्लियर?
लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात रख दी नीचे अपने थर्ड पॉइंट में, एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। एक गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ, कहानी ऐसी है कि गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ, मैंने 2 साल लगा के उस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और मेरा उसमें क्या आ गया, नाम आ गया और मुझे सब कुछ मिल गया था। मैं खुश था कि मेरी अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन अचानक एक न्यूज़ आई जिस पे लिखा था कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। अब मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, सब कुछ मेरा हो गया था, ओके, अब मुझे क्या हो जाना चाहिए था, मिलनी चाहिए थी, तो मुझे जॉब मिली नहीं, मैंने गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। और केस तो ऐसा होता, आज करो कल रिजल्ट आपके हाथ में, ठीक है। लेकिन केस करने में मुझे अप्रोक्सीमेट 3 साल लग गए। कितने लग गए? और 3 साल बाद गवर्नमेंट का डिसीजन एक आया। मैं घर पे बैठा हुआ था, तभी डाक वाला डाक लाया और उसमें कागज पे लिखा हुआ था, जो तुमने गवर्नमेंट के ऊपर केस करा वो केस आप जीत गए। क्या हो गया? केस आप जीत गए। और गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 सालों का, कितने का, 3 सालों की सैलरी दूंगा और तुम्हें जॉब भी मिलेगी। अब तुम मुझे बताओ, जो सैलरी मुझे मिल रही है क्या वो कभी ड्यू हुई थी? क्या वो कभी रिसीव हुई थी? क्या कभी ड्यू हुई थी, कभी रिसीव हुई थी वो? तो जब हुई नहीं थी तो क्या मुझे उस पर टैक्स देना पड़ता? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अब तुम्हें मिल रही है ना इकट्ठा कोई दूसरे कारण से, किसके रिलेशन में? एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशन था ना तुम्हारा। अगर तुम जॉब करते तुम्हें पैसे मिलते, और जो पैसे मिलते वो किस में जाते? सैलरी में जाते। किस में जाते? सैलरी में जाते। तो ये पैसा किस में ले जाओगे तुम? सैलरी। किस में ले जाओगे? सैलरी में। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल, मेरी मालिक के साथ लड़ाई हो गई। मैंने कहा लाला जी ने बहुत पैसे कमा लिए, मेरे बारे में नहीं सोच रहे लाला जी। मैंने कहा लाला जी आपने बोला था कि हर साल आपकी सैलरी 5,000 रुपये बढ़ा दूंगा, अब सर मेरी तनख्वाह 35,000 करी है। लाला जी ने कहा काम बहुत मंद आए, काम मंद आए, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। मैंने उनके ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। और केस कितने साल चला? 8 साल। और 8 साल बाद डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने उससे कहा कि तुम हर साल के 5,000 तो बढ़ाकर दोगे इसे, और रास्ते से जॉब पर रखो 40,000 रुपये और मुझे 8,00,000 रुपये मिलने। बताओ किसके रिलेशन में मिलने? मालिक और कर्मचारी के रिलेशन में मिलने, ठीक है। तो किसके अंदर जाएगा? एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू 89 सबसेक्शन 1। क्लियर है? तो अगर तुम्हें ऐसे सैलरी मिले तब भी इस पर टैक्स लगा देना। समझ आ गया 15 की दोनों बातें? 15 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ड्यू और इसी विच एवर इज अर्लियर, एंड सेकेंड एरिया ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू 89 सबसेक्शन 1। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ डिडक्शन। क्या डिडक्शन? लेकिन एक दुख भरी बातें हैं, इसे वैसे चाहो तो आप पढ़ो ना तो अच्छा है। बेसिकली नए रूल ये आया है, जो आपका भी बजट पास हुआ है, उस बजट में कहा है कि आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, या तो तुम नया वाला कॉन्सेप्ट पिक कर लो या फिर पुराना। लेकिन अगर तुम नया कॉन्सेप्ट पिक करोगे तो तुम्हें डिडक्शन 1 रुपये की भी नहीं मिलेगी। कितनी डिडक्शन नहीं मिलेगी? 1 रुपये की नहीं मिलेगी। तो ये हमें डिसाइड करना है पर्सन टू पर्सन कि मैं नया कॉन्सेप्ट लूं या फिर पुराना। इसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा टूल अपनी साइट पर रखा हुआ है कि आप उस साइट पर जाएं और अपनी नई इनकम और पुरानी इनकम के बिहाव से वहां चेक कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 20। तुम यहां पर सिलेक्ट कर लो तुम्हारी ये 60 है, अच्छा तुम्हारी इनकम कितनी है? मैंने कहा 12,00,000 रुपये, तो आप यहाँ बाहर डाल दो, डिडक्शन 1 रुपये की भी नहीं, और क्लिक कर दो, तो आपको बता देगा ओल्ड के हिसाब से आपका टैक्स इतना बनेगा और न्यू के हिसाब से इतना टैक्स बनेगा और आपको इतना बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन सैलरी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बस ऊपर नीचे, क्योंकि आज तुम सीखोगे डिडक्शन कितनी मिलती है। सैलरी में सबसे ज़्यादा डिडक्शन मिलती है, और नए फाइनेंशियल बिल के हिसाब से, बजट के हिसाब से गवर्नमेंट ने 70 डिडक्शन को डिलीट कर दिया। आज तक तो हम डिडक्शन पढ़ाते थे बेफिक्र होके, आज हम नए रूल पिक करोगे तो आपके लिए डिडक्शन की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन अब अच्छा बनना है तो दोनों पता होने चाहिए। अगर डिडक्शन लेके चलूंगा तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, और डिडक्शन लेकर नहीं चलूंगा तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, क्या हुआ? ठीक है, तो पहली आएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या आएगी? दूसरी क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरी क्या है? प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। डिडक्शन मीन्स टू गिव बेनिफिट टू द एसएससी। डिडक्शन क्या है? जो एसएससी को फायदा दे वो डिडक्शन है, ठीक है। दूसरा, डिडक्शन रेफर टू क्लेम मेड टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। इससे क्या हो जाती है? आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। 2 लाख की इनकम थी, 50,000 की छूट, तो आपकी इनकम कितनी रह गई? 1.5 लाख। क्लियर? जैसे इनकम थी 10,000, 2 की छूट दे दी तो आपकी डिडक्शन कितनी बची? 80,000। क्लियर? आप सैलरी क्लास पर्सन हो, आप कौन हो? सैलरी क्लास पर्सन हो, आपको तनख्वाह मिलती है 5,000 रुपये पर मंथ या 50,000 रुपये पर मंथ, क्या ऑफिस आने जाने के लिए कुछ खर्चा तो करते होगे? तो गवर्नमेंट ने सिंपल से कहा कि अगर तुम लोग सैलरी क्लास में हो, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी भी हो, तो सीधा कितने की डिडक्शन लेना? 50,000 रुपये। क्या बोला? गवर्नमेंट प्रोवाइड बेनिफिट टू द सैलरी क्लास पर्सन फ्लैट 40,000 रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 19-20। दिस लिमिट इज इंक्रीज बाय 40,000 to 50,000 रुपीज। तो अगर मैं सैलरी क्लास पर्सन हूँ, मेरी तनख्वाह कितनी भी होगी, मुझे कितने की माफ़ी मिल जाएगी? 50,000 रुपये। कितने की माफ़ी मिल जाएगी? 50,000 रुपये की माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन सर मेरी तनख्वाह ही 35,000 है, तो कितने की मिलेगी? 35,000 की। क्लियर है? कितने की माफ़ी मिलेगी? 35 की। अगर मेरी इनकम 50 से ज़्यादा है तो 50 तक, और 50 से कम है तो जितनी मेरी होगी उतनी। क्लियर है? मैंने गवर्नमेंट से कहोगे तुम 15,000 रुपये दो, गवर्नमेंट ने एक बात लिख दी। क्लियर? दूसरा आ जाओ, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कौन सा अलाउंसेस? इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। ओनली किसको मिलेगा? गवर्नमेंट। हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, हम प्राइवेट सेक्टर वाले, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी तनख्वाह भी अच्छी है और उनको बेनिफिट भी देगी गवर्नमेंट, किसके लिए? इंटरटेनमेंट अलाउंस नाम से। जाओ मूवी देखाओ, जाओ कहीं घूम आओ, हमारे लिए कुछ फैसिलिटी नहीं, ठीक है। तो याद रखने, किसको मिलता है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। किस लिए मिलता है? गवर्नमेंट। इसलिए लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, पर आता नहीं है सिर्फ नाम वैसे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द, याद रखना है किसको मिलेगा? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जो इन तीनों में सबसे कम होगा उसकी माफ़ी मिलेगी, इसमें जो सबसे कम होगा उसकी माफ़ी मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट पहला क्या है? एक्चुअल। दूसरा 5,000, और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है? एक्चुअल अमाउंट मालिक निकाले 4,000 रुपये टोटल साल में इंजॉय कर, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट अलाउ के। तो एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया? 4,000। अच्छा 5,000 गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें कितनी मिले, लेकिन माफी कितने की मिलेगी? 5 की। आ जाओ 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मेरी तनख्वाह 10,000 है, 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000, तो माफी कितने की मिलेगी? 2,000। तो इन तीनों में सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम। एक एग्जाम्पल पढ़ो, अ पर्सन गेट सैलरी रुपीज 8,000 पर मंथ एंड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा ऑफ सैलरी। तो उसकी तनख्वाह 8,000 × 12 कितनी हो गई? 96। कितनी हो गई? 96। अच्छा कितने मिलते हैं साल में, कितने महीने होते हैं? कितनी हो गई? 6,000। अच्छा कितनी मैक्सिमम थी? 5,000, और सैलरी का 20% कितना होता है? 18,200। तो बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन सा है? 5,000। तो माफ़ी कितने की मिलेगी? 5 की। तो यहाँ पर 96 कितना आ गया? 96 माइनस, लेकिन सर 96 में ऐड भी तो करो, कितना? 6 ऐड करोगे ना, सेफ ऐड करोगे? वाह भाई वाह, बेइज्जती करा दी। बता रहा हूँ सैलरी कितनी मिलती है? 8,000 × 12 कितना हो गया? 96। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना बोला उसने? 500 पर मंथ, कितना हो गया? 6,000। टोटल इसकी तनख्वाह कितनी है? 1,02,000 रुपये। अब हमें क्या देनी है इसको? डिडक्शन। क्या देनी है हमें इसको? डिडक्शन देनी है। क्या देनी है हमें इसको? डिडक्शन। सेक्शन 16
सबसेक्शन टू, क्लियर। लेकिन ए क्या कहता है, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कितना था 5, मैक्स एक्चुअल था जितना मिला, कितना मिला मुझे 6 मिला, मैक्सिमम कितना था, कितना 5000, कितना हो गया, और इसका 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा बताओ 96000 का 20% कितना होता है, कितना 19200, कितना होता है 19200, इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, तो कितने की डिडक्शन दे दो, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई बेसिकली 97, क्लियर है, कोई दिक्कत, बस क्लियर है। बस मैं एक सेक्शन और करा दूं छोटा सा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 जो बात करता है प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें जॉब के दौरान करने पड़ते हैं। सर कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें जॉब के दौरान करने पड़ते हैं, आपने सीए सुना है, सीए को अपनी सीए को मेंटेन करने के लिए हर साल एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, मेंबरशिप फीस। एक कंपनी में जॉब की वैकेंसी निकली और कहा गया कि हमें सीए चाहिए, क्या चाहिए, सीए चाहिए। मैं भी उस कंपनी में गया और मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सीए के रूप में वहाँ जॉब कर रहा था। मैंने 2 साल जॉब करी और 2 साल सीए की मेंबरशिप ले ली, लेकिन मैंने तीसरे साल सोचा क्या फ़ायदा यार मेंबरशिप लेके, मेरी जॉब लगी सब कुछ परफेक्ट है, क्या लगी, सब कुछ परफेक्ट है, मैंने उस साल क्या नहीं ली, मेंबरशिप नहीं ली। और ये बात किसको पता चल गई, कंपनी को पता चल गई, बात किसको चल गई, कंपनी, कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास सीए का क्या नहीं था, मेंबरशिप नहीं था, क्या नहीं था, मेंबरशिप नहीं था, ठीक है। तो कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें करेंगे तभी हमें, अगर नहीं करेंगे तो नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे खर्चे जिसको क्या देते नाम देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर वो है तभी मैं हूं, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं। समझ आ गई वाली बात, तो याद रखना प्रोफेशनल टैक्स और यस का दूसरा नाम है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेवी अंडर स्टेट एक्ट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। इसे क्या मिल जाएगी उसको, अमानत डिडक्शन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी उसको, डिडक्शन मिल जाएगी सर। हाँ मेरा मालिक पे कर सकता है, कई बार मैं पे कर सकता हूँ, कई बार मेरा मालिक पे कर सकता है। मेरे मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा 50000 रुपये, लेकिन हर साल तुम्हारा 5000 रुपये का क्या पे कर दूंगा, प्रोफेशनल टैक्स पे कर दूंगा। क्लियर है, आ जाओ बताता हूँ सच, अभी एक बताता हूँ एक मिनट। सच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, ऐसे नहीं सर पे कर दूंगा, पे कर तब ले, नहीं पे करेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, एक्चुअल, इफ एम्प्लॉयर पेज एनी प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स employee, then it will first be included in the salary as a perquisite and then allowed as a deduction. मेरे मालिक ने पे कर दिए तो पहले मेरी सैलरी में ऐड करो, पहले मेरी सैलरी में क्या करो, उसे ऐड करो। perquisite मतलब होता है दया में, perquisite मतलब क्या होता है, दया में। अगर कोई चीज़ किस में दी जाती है, दया में, तो उसे क्या बोलते हैं, perquisite। तो पहले मेरी सैलरी में ऐड करो, फिर उसे क्या दे दो माफ, बाद में deduction। क्या लिखा है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना था, मालिक ने, मैंने 5000 रुपये दिए, कितने दिए 5, तो मुझे माफ़ी कितने की मिल जाएगी, पूरे 5 की, कितने की माफ़ी मिल जाएगी 5 की। मेरे एम्प्लॉय ने दिए मुझे 5 और मैंने पे कितने करे 5, तो पूरी माफ़ी। मेरे मालिक ने दिए मुझे 5000, मैंने पे कितने करे 4, तो माफ़ी कितने की मिलेगी 4 की, कितने की मिलेगी 4 की, जितना कितना पे हुआ 4, मेरे मालिक ने 5 पे कर, जबकि पे कितने करने थे 4, तो माफ़ी कितनी मिलेगी 4 की। मालिक ने दिए 3, मैंने पे करे 5, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 5 की, कितने की मिलेगी 5 की। समझ आई, मैं अगर मेरे मालिक ने पे करा 5 पे करा, मुझे 5 दिए, मुझे कितने दिए 5, लेकिन मैंने कितना पे करा 3, तो माफ़ी कितने की मिलेगी 3 की। मेरे मालिक ने दिए मुझे 4000 और मैंने कितना पे करा 5, तो माफ़ी कितने की मिलेगी 5, कितने की मिलेगी 5 की। आ जाओ, हाँ मान लो मेरे मालिक ने दिए मुझे 5, मैंने पे कितना करा 0, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, सर गलत हो गया, एम्प्लॉय ने कितने दिए 5, मालिक ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो कितनी माफ़ी मिलेगी 5 की। मेरे मालिक ने दिए नहीं, किरा नहीं देता पैसा, जाओ कर ले जो करना है, तो मेरी सैलरी में कितना माइनस हो जाएगा 5, लेकिन मेरे मालिक ने दिए कितने
मैंने दिए पांच, मेरे मालिक ने दिए कितने, पांच, तो कितने डिडक्शन हो जाएगी, पांच की डिडक्शन हो जाएगी। मैंने पे कितने करे, मालिक ने कितने दिए, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, पांच की। मैंने पे कितना करा, नील, मालिक ने दिए कितने, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, नील की, और ये इनकम में जुड़ जाएगा कितना, 5000। क्लियर साहब, हो गया वंजुल, समझ आ गया आप लोगों, क्लियर हो गया सारी बातें, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। मालिक जितना देगा, ठीक है, उतने की तभी डिडक्शन मिलेगी जितना एक्चुअल में आप क्या करते हो, पे करते हो, क्या करते हो आप, पे करते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, बस ये आपका सेक्शन 16 खत्म हो गया। कल एक सेक्शन बताया सेक्शन 17 जो आपको 4-5 दिन तक घुमा देगा, ठीक है। आज हम ये स्टॉप करते हैं और आप लोग कल पढ़ के आना।